छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 3 माह पूरे होने पर साय सरकार के 5 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंत्रियों ने कहा कि जितना काम 5 साल में कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, उतना काम 90 दिनों में भाजपा सरकार ने किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 13 दिसंबर को सरकार ने चलना शुरू कर दिया था, 14 दिसंबर को पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास को स्वीकृत किया गया। पिछली सरकार में स्थानीय आवास की प्रक्रिया शुरू की थी, उस 47,000 आवास को ही स्वीकृत किया गया था। किसानों को बकाया बोनस दिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने हिसाब से देना शुरू कर दिया गया है। 3 महीने से अधिक के समय पूरे हो चुके हैं, 3 महीना का समय कल पूरा हुआ है और 100 दिन से कम समय की अवधि में ही 100 दिन से कम समय की अवधि में ही आप सबने देखा है कि ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार निशान जी, आदरणीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आदरणीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। मैं सर्वप्रथम आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी को संबोधित करें और इस अवसर पर आप सभी आए, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। की सरकार जिसमें हम सभी लोग उनके टीम के हिस्से हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से, बहुत तेजी से, बहुत ही रिकॉर्ड स्पीड से सभी वादों को पूरा कर रही है, मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। पिछली सरकार के समय 2-4 हजार करोड़ किसानों को अगर जारी हो जाता था तो बोलते थे इकॉनॉमी में बूम आ गई, अर्थव्यवस्था में बूम आ गई है। अभी इस वर्ष धान के पेमेंट में, धान के लिए जो भुगतान किया गया है वो 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, 44,000 करोड़ रुपए का, 13,300 करोड़ रुपए का अंतर। जायसवाल जी, हम सब मिलकर सरकार की तरफ से, विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में है उसकी तरफ से उस सरकार के विषय में हिसाब जनता को और आपको देना चाहते हैं। 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ हम लोगों ने शपथ लिया था, मतलब दो मुख्यमंत्री के नाते मेरा और आदरणीय अरुण साहब जी का शपथ हुआ था। अर्थात सरकार का चलना 13 दिसंबर से प्रारंभ हो गया था, सरकार बन गई ये माना गया, बाद में विस्तार होकर के और उसमें बहुत काबिल साथी सारे साथ आए और बात आगे बढ़ी। आप सभी के सामने विशेष तौर पर ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेती है और 14 दिसंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव जो होता है वह 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का होता है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाते हैं जिसमें 2011 के परमानेंट वेटिंग लिस्ट के लगभग 7.5 लाख लोग हैं, उसके बाद 2 लाख आवंटित किए गए थे। उस 47,000 आवास को भी पूरी की पूरी स्वीकृति विष्णुदेव जी की सरकार ने दी है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इस बात को यह कहना चाहता हूं कि 18 लाख आवास एक साथ देने वाले ये पूरे भारतवर्ष की अकेली सरकार है जो एक प्रस्ताव में 18 लाख आवास की स्वीकृति देती है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 वर्षों का बकाया बोनस जो इस सरकार को देना था तो अटल जी के जन्म दिवस पर उस काम को भी 25 दिसंबर को उस काम को भी पूरा किया गया जो चुनाव में वादा था। 2 साल का बकाया बोनस जो दिया जाना था किसानों को धान के संदर्भ का, वो बकाया बोनस भी जिसको पिछली सरकार ने ये कहा था कि हम करेंगे, उनके घोषणा पत्र का पहला लाइन था 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा, लेकिन आखिरी तक नहीं हुआ। वो उसको विष्णुदेव जी की सरकार ने 25 दिसंबर को, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होता है, 14 दिसंबर को 18 लाख आवास स्वीकृत होता है, 25 दिसंबर को 2 साल का जो बोनस होता है वह भी किसानों को दिया जाता है। एक विशेष योजना जिसके संदर्भ में हम सब बहुत उत्सुक है, उत्साहित है, महतारी वंदन योजना। आपको ध्यान होगा विगत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उस समय कहा था कि 500 रुपया हर एक महिला को दिया जाएगा, पूरी सरकार का कार्यकाल निकल गया,
परंतु कभी कुछ नहीं किया गया। अभी आप देखेंगे विष्णुदेव जी की सरकार में बहनों को दिया जाएगा, अर्थात महीने का अर्थात साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो महतारी वंदन योजना लागू करके 70 लाख से अधिक माताओं बहनों का पंजीयन करके उसके बजट में प्रावधान करके और उनको वो राशि पहली किस्त उसकी भुगतान उसका भुगतान भी किया जा चुका है। इसमें बहुत मसला ये है कि चुनाव के संदर्भ में जिस समय चुनाव था उस समय विपक्षी पार्टी ने तो यह भी घोषणा की थी कि हम साल के 15,000 रुपए देंगे, परंतु मतदाताओं ने विश्वास किया भाजपा के हमारे उस समय जो घोषणा पत्र था उस पर और 12,000 को स्वीकार किया, 15,000 को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि पिछले साल जो हुआ था, पिछली बार हुआ था 500 रुपया हर महीने को महिला को दिया जाना था, ऐसा घोषणा था, 1 रुपया भी किसी को कभी नहीं दिया गया था। विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार के पूर्व ही मतलब चुनाव के दौरान ही जो घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक एकड़ का 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, प्रत्येक एकड़ से 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा और प्रति क्विंटल धान 31 रुपए की दर पर खरीदा जाएगा। 2250 रुपए लगभग इस बार समर्थन मूल्य था, वो एक किस्त में एक मुश्त दिया गया। बचे हुए 917 रुपए को विगत सरकार में 4 किस्तों में दिया जाता था। पहला किस्त ही 2-2.5 महीने बाद आता, फिर चौथा किस्त तो अगली बार धान बिक जाने के बाद आता। वर्तमान सरकार की यह घोषणा थी, विष्णुदेव सरकार की घोषणा थी कि ये पूरी राशि एक मुश्त दी जाएगी और बहुत बड़ी बात है कि ये पूरी की पूरी राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल की दर से लगभग 1,45,000 मीट्रिक टन पूरे धान के ऊपर ये पूरी राशि दे दी गई और पूरी राशि लगभग 13,300 करोड़ राशि की राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई। मतलब वस्तुतः कहें कि ये ओपी चौधरी जी जो प्रबंधन कर रहे हैं और इसमें वित्त विभाग में, यह चमत्कार से कम नहीं है। कोई कर का बड़ा प्रावधान नहीं, नया कर का कोई प्रावधान नहीं, किसी कर में बढ़ोतरी नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो बजट का आकार बढ़ गया है और ये सारे प्रावधान उसमें समाहित हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विगत हमारे जो अनुपूरक बजट आया था उसमें भी हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान किया था और अभी भी 8,700 करोड़ का प्रावधान इस नए बजट 24-25 के बजट में भी किया गया है। ऐसे ही 12,300 करोड़ रुपया महतारी बंधन योजना के लिए प्रावधान किया गया है, उनको दिया गया है। विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे और नेता बड़े रसूखदार उनके बच्चों का, बड़े अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हो जाया करता था पीएससी में, उस सारी भर्तियों के लिए ये कहा गया था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी उसकी सीबीआई जांच हम कराएंगे, ऐसा उस समय हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी और हमारे घोषणा पत्र में था। उस घोषणा को भी पूरा करते हुए विष्णुदेव सरकार ने उस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंपा हुआ है, इसका यह भी काम संपन्न हो चुका है। शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह का भव्य मंदिर में स्थापना के उपरांत रामलला के दर्शन हुई है और हर एक जिले से अब एक समूह राम भक्तों का वो सरकारी व्यवस्थाओं में जाकर के अयोध्या में दर्शन कर रही है, ये हम सबको ध्यान है। इसी माध्यम से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत फिर भव्य रूप से की गई, मैं खुद भी गया था उसमें। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे साधु संत आए थे पूरे देश भर से,